ट्रू फ्रेंड्स लेसन नंबर फोर। अन्या वॉज अ वेरी स्टूडियस गर्ल। शी ऑलवेज केम फर्स्ट इन हर क्लास। शी वॉज ऑल्सो वेरी गुड एट आर्ट एंड क्राफ्ट। शी वॉज वेरी हेल्पफुल एंड काइंड। ऑल हर क्लासमेट्स लाइक्ड हर एंड सो डिड हर टीचर्स। अन्या नाम की एक लड़की थी और वो बहुत ही होशियार थी, स्टूडियस थी, बहुत पढ़ाई करती थी और वो क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी और आर्ट और क्राफ्ट में भी बहुत अच्छी थी और सबकी मदद करती थी, दिल से भी बहुत अच्छी थी। इसकी वजह से ही वो उसके क्लास के बच्चों को बहुत पसंद थी और टीचर्स को भी। व्हेन स्कूल रीओपन्ड आफ्टर द समर हॉलीडेज, अन्यास क्लास हैड अ न्यू मेम्बर। हर नेम वॉज तन्वी एंड शी हैड रिसेंटली मूव्ड फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद। जब गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल रीओपन हुए तो अन्या की क्लास में एक नई क्लासमेट आई, नई मेम्बर आई जिसका नाम तन्वी था और जो मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट हुई थी। अन्या स्टार्टेड टू फील सैड बिकॉज तन्वी स्टार्टेड टू ओवरशैडो हर इन एवरीथिंग। ऑल द टीचर्स लाइक्ड तन्वी टू। हाउएवर अन्या ट्राइड टू बी फ्रेंड्स विद तन्वी बट शी फेल्ट जेलस। स्लोली एंड स्टडीली शी स्टार्टेड टू डिसलाइक तन्वी। अन्या को ऐसे लगने लगा कि तन्वी उसके प्रतिभा के ऊपर हावी हो रही है, मतलब वो होशियार है मगर उससे भी ज़्यादा तन्वी होशियार है ऐसा लगा। इसीलिए वो टीचर्स भी उसको पसंद करते हैं और सब लोग भी उसे पसंद करते हैं और ऐसे करते करते उसको लगा कि उसको जेलसी हो रही है उससे, अन्या और तन्वी से जेलस हो रही थी और जिसकी वजह से तन्वी उसको पसंद नहीं आ रही थी। वन डे देयर इंग्लिश टीचर मिस मालती अनाउंस्ड दैट देयर वुड बी एन एसे राइटिंग कॉम्पिटिशन। एवरी वन हैड टू राइट एन एसे टू होम एट होम एंड ब्रिंग इट टू क्लास द नेक्स्ट डे। मिस मालती सेड दैट द बेस्ट एसे वुड विन अ प्राइज एंड अन्या वॉन्टेड टू विन। शी रोट हर एसे बट केप्ट थिंकिंग दैट तन्वीज एसे वुड बी बेटर दैन हर्स। एक दिन क्या हुआ कि मिस मालती नाम की इंग्लिश की टीचर थी उनकी, उन्होंने अनाउंस किया कि ऐसे कंपटीशन होगा, ऐसे राइटिंग कंपटीशन, निबंध लिखने की प्रतियोगिता होगी और घर से निबंध लिख के लाना है और दूसरे दिन उनको दिखाना है और जो बेस्ट होगा उसको प्राइज मिलेगा, वो जीत जाएगा। तो अन्या सोचने लगी कि मुझे ही ये प्राइज़ जीतना है और वो यही सोचती रही कि उससे ज़्यादा, तन्वी से ज़्यादा उसका इससे अच्छा होगा या हो। एट स्कूल द नेक्स्ट डे अन्या डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर द आर्ट क्लास। शी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट शी वॉज नॉट फीलिंग वेल या वॉजंट फीलिंग वेल। The real reason she stayed back was to take a look at Tanvi's essay. After everyone had left, Anya took out Tanvi's essay and read it. The essay was much better than her own. She tore up the essay and threw it in the dustbin. दूसरे दिन क्या हुआ कि अन्या ने आर्ट क्लास जाने को नहीं जाने का डिसाइड किया और उसने फ्रेंड्स को बताया कि वो उसको ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तबीयत उसकी थोड़ी ख़राब लग रही है, इसीलिए वो क्लास में ही रही। मगर क्लास में रहने का ये उसका कारण था कि उसे तन्वी का ऐसे पढ़ना था कि उसने क्या लिखा है। तो जब ही सभी लोग चले गए तो उसने चुपके से तन्वी का ऐसे लिया और वो पढ़ा और सच में वो तन्वी का ऐसे उससे ज़्यादा अच्छा था। तो उसने क्या किया, वो ऐसे उसने फाड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। ड्यूरिंग द इंग्लिश पीरियड मिस मालती आस्क्ड एवरी वन टू सबमिट देयर एसे। तन्वी लुक्ड फॉर हर एसे बट कुडंट फाइंड इट। शी स्टार्टेड टू क्राई। इंग्लिश के पीरियड के वक्त मिस मालती ने
टीचर ने, इंग्लिश की टीचर मिस मालती, उन्होंने बोला कि आप सब अपने अपने एस्से सबमिट करो। तो तन्वी ने बहुत ढूंढा मगर उसको इसका एस्से नहीं मिला और वो रोने लगी। अन्या सॉ तन्वी क्राइंग एंड फेल्ट रियली बैड एट व्हाट शी हैड डन। शी वेंट अप टू मालती एंड टोल्ड हर द ट्रूथ। मिस मालती देन टोल्ड तन्वी व्हाट हैड हैपेंड। जब अन्या ने देखा कि तन्वी रो रही है तो उसे बहुत बुरा लगा, तो वो अपनी टीचर के पास गई और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। फिर मिस मालती ने, टीचर ने उनको, तन्वी को सब कुछ बता दिया क्या हुआ था। टू अन्यास सरप्राइज तन्वी वॉज नॉट एंग्री एट ऑल। इंस्टेड शी हग्ड अन्या एंड सेड दैट शी वॉज सॉरी दैट अन्या फेल्ट थ्रेटन बाय हर। अन्या टू अपोलोजाइज। दे बिकेम द फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड्स आफ्टर दैट। बोथ द गर्ल्स कुड बी सीन प्लेइंग टुगेदर एंड हेल्पिंग ईच अदर ऑल द टाइम। जब तन्वी को पता चला कि अन्या ने क्या किया है तो उसने उस पर गुस्सा नहीं किया, उसके बजाय उसको हक किया और बोला कि सॉरी अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ तकलीफ हुई हो या थ्रेटन महसूस हुआ हो। फिर अन्या ने भी उससे माफ़ी मांगी और दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। उसके बाद दोनों एक साथ खेलते हुए नज़र आई और एक दूसरे के साथ वो टाइम बिताने लगी। मीनिंग्स, थ्रेटन टू मेक समवन फील एज इफ यू विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम। थ्रेटन का मतलब होता है दूसरों को ऐसा महसूस कराना कि उनकी आपकी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। स्टूडियस, समवन हु पेज अ लॉट ऑफ अटेंशन टू वॉट दे आर लर्निंग। ओवर शैडो टू मेक समवन सीम लेस इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ ही ट्रू फ्रेंड्स चैप्टर ख़त्म होता है। सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्रेरणास प्लैनेट को। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।